I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Aai, aa. Baap re baap, kaash tod diya. Devki, tu theek hai na? Ha, main to theek hu. Magar ye gaadi. Bhag Devki, bhag. Kahin wo motor wala aa gaya to phans jayegi. Police bhej dega wo. Bhag. Tum log bhi bhago. मैं सर जल्दी में थी, कार छोड़ दिया ना, मोटर वाला आ गया तो मेरी छुट्टी कर देगा। वैसे भी ये पैसे वाले बड़े जालिम होते हैं। ये मोटर तुम्हारी तो नहीं? तुम इसके मालिक हो? अच्छा, मैं चलती हूँ। एक तो शीशा तोड़ दिया, नुकसान किया, ऊपर से चुपके से भाग रही थी। मैं तो जा रही थी, छी, जा भी नहीं रही थी, आ रही थी। आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा ये नुकसान कौन भरेगा? तुम जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं बाबूजी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, नाश्ते में मेरा पाँव फिसल गया। ये रख लो 25 रुपए, मेरी दिन भर की कमाई। दिन भर की कमाई? हाँ। ठीक है, आइंदा सड़क पर उछलना कूदना छोड़ दो, समझी? हाँ, छोड़ दो। ये लो, जाओ। ए छोकरी, इधर आओ। अरे इधर आओ ना। ये तू लंगड़ा क्यों रही है? कुछ नहीं। कपड़ा ऊपर करो। क्या? अरे कपड़ा ऊपर करो। नहीं नहीं, ये तो जख्म है। हाँ। यही डरों में अभी आया। नहीं। क्या हुआ? मैं हल्दी चूना लगा लूंगी, ये दवा बहुत चलती है बाबूजी। चुप चुप, जहर फैल जाएगा। फैल जाएगा। नहीं नहीं, कितना जोर से चिल्लाती है, चल जा अभी। बाबा आ गई बेटी। हाँ, तुम्हारे लिए दवा लेकर आई हूँ। ये गोली और ये टॉनिक। बेटी, मेरे कारण तुझे कितने दुख उठाने पड़ते हैं। क्या दुख उठाती हूँ? नाच गाने में बहुत मजा आता है बाबा। सब देख रहा हूँ बेटी, तेरे पाँव की ये छाले मुझसे छुपे नहीं हैं बेटी। तुम तो बेकार की चिंता करते हो बाबा, रात में हल्दी कूट कर लगा लेती हूँ, सुबह तक साफ हो जाते हैं बस। फिर शाम आ जाती है और फिर छाले पड़ जाते हैं। बेटी, मेरी इस बीमारी ने तुझे सड़कों पर पहुँचा दिया है। न जाने दुनिया वालों की कैसी कैसी नजरें तुझ पर पड़ती होंगी बेटी। अपनी नजर अच्छी हो तो बाबा, दुनिया की कोई बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ बेटी। तुम तो जानते हो, नौकरी बिना सिफारिश के मिलती नहीं, बुरे वक्त में इस खेल तमाशे से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, थोड़ा बहुत काम चल जाता है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर ये खेल तमाशा बन। तू अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई है बेटी, कितना बोझ सर पे उठाए फिरती है, परंतु मैं तुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं दे सका बेटी। तो मुझे ही कौन सा सुख दे दिया है? दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं। कितने रुपए लाई है? ये 25 रुपए। 25 रुपए कान में डालूं क्या? दवा, दारू, फल, फ्रूट, क्या क्या लाई है अपने बाप के लिए, और मेरे हाथ में 25 रुपए दे दिए। अब इधर उधर क्या देख रही है? झाड़ू, कटका, बर्तन, कपड़ा कौन करेगा तेरा बाप? माँ, मैं भी सारा काम कर देती हूँ। अच्छा तो चलो ना, करो ना काम। कम वक्त ने जीना हराम कर दिया, अब भी करती हूँ। ओह,
ये रहा। तू? नहीं नहीं मैं वो नहीं नहीं। आखिर तू जाती क्या है? हाँ? तू तो मेरे पीछे पड़ी है। मेरे शीशे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अभी उसी दिन नया लगवाया। एक बार और लगवा लो। भूल चुक इंसान से हो ही जाती है। कसम से अब दोबारा इस सड़क पर नजर नहीं आऊंगी। मेरी अठन्नी। अरे ये क्या? ये तो खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, जहर फैल जाएगा मोटर वाले साहब। एक मिनट। सब चुकता। क्या? ओ, 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 ए, एक मिनट साहब, एक मिनट। अरे ये कहाँ है बहू? वो आ गई। तुम्हें देखने को हम तरस गए बहू। बहू? हाँ बहू। वाह, जो सुना था उससे बढ़कर देख रहा हूँ। ये मेरे चाचा जी है। हाँ चाचा जी, अफ्रीका वाले, नैरोबी से आए। तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। कितनी अच्छी बीवी ढूंढी है तूने। ये सब क्या हो रहा है? मैं ना किसी की बहू हूँ ना किसी की बीवी हूँ। देखा चाचा जी, आजकल की लड़कियाँ, मैं किसे जल्दी बुला लो तो गुस्सा हो जाए। खैर हम बना लेंगे इसे। कितनी सुंदर बहू है, और एक तू है कि हमें बातों में डाल रहा है। हमने अभी तक बहू को मुंह दिखाई नहीं दी। हमारा पर्स कहाँ है? ये लीजिए। ना 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 बहू, तेरे पैसे से और मुंह दिखाई दे ना, हम अभी आते हैं। अभी आते हैं। लेकिन सुनिए, ये क्या तमाशा है? मैं आपको ये पर्स वापस देने आई थी। कल की बात छोड़ो, आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, और शायद भगवान ने तुम्हें इसीलिए यहाँ भेजा है कि मुझे मुसीबत से बचा लो। मुसीबत? हाँ, ये जो मेरे चाचा हैं, ये मेरी शादी किसी नैरोबी की लड़की से करवाना चाहते थे। मुसीबत से बचने के लिए मैंने झूठ कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर ये अचानक नैरोबी से यहाँ चले आए मेरी दुल्हन को देखने के लिए, और तुम्हें यहाँ देखकर। आपकी दुल्हन समझ बैठे, आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि ये गलत है? इसलिए कि उनका दिल टूट जाता। देखो, अगर तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो तो। तो आप चाहते हैं कि इस झूठ को निभाने में मैं आपका साथ दूं? मेरे लिए ना सही, चाचा जी के लिए। वो बड़े अरमानों से अपनी बहू को देखने आए हैं। माफ कीजिए, मैं आपके चाचा जी को धोखा नहीं दे सकती। ठहरो, अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। देखो, चाचा जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं मुझे। लेकिन उनकी खुशी के लिए अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दे दो, उनकी बहू बन जाओ, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है बहू को? जी वो अपना खानदानी बैकग्राउंड समझा रहा था। वेरी गुड। लो बेटी, मुंह दिखाई। जीती रहो। और मंगलसूत्र ये लीजिए। आहा, चश्मे बद्दू, अब लगती है तू हमारे घर आने की बहू। तेरा सुहाग सदा बना रहे बेटी। आनंद देख, कितनी सुंदर लगती है बहू इस लिबास में। हम कितने ही बदल जाएं,
पर असली खूबसूरती हमारी संस्कृति में ही है। जी हाँ। अच्छा जजी जी, मैं ऑफिस चलता हूँ। नाश्ता तो करते जाइए। मैं ऑफिस में जाकर नाश्ता कर लूंगा। ऑफिस में नाश्ता कर लेगा? अरे बहू नहीं है इस घर में। देख तेरी कोई पुरानी आदत अब नहीं चलेगी। बहू इसके लिए नाश्ता लगाओ। जी। अरे शुक्र कर कि तू जैसे गधे को ऐसी होनहार बीवी मिली है। चल। अब मैं चाय नहीं पीता। बहू तुम भूल गई, ये तो दूध पीता है और वो भी ओवल्टीन डालकर। मैं भी लेकर आती हूँ। इतना बड़ा हो गया अभी तक बचपन की आदत नहीं गई। नमस्ते चाचा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक आपका नाश्ता ही चल रहा है और दुनिया में क्या से क्या हो गया? ये देखिए, एक कैनेडियन प्लेन हाईजैक हो गया। हाईजैक जी? यहाँ देखिए देखिए, मेरा चश्मा कहाँ गया? शायद ऊपर रह गया। बेटी जरा तू पढ़ के सुना दे। चाची जी लाइए, मैं पढ़ देता हूँ। तू किस खुशी में पढ़ के सुनाएगा? नाश्ता कर, ऑमलेट खा। जी पढ़ना क्या है, चोरी चकारी मारपीट के अलावा आजकल के पेपरों में होता ही क्या है भाई दीवे? तेरी जबान है या किसी लीडर का बयान? कभी ये कहता है कभी वो कहता है। नहीं समझे नहीं चाचा जी। खामोश। बेटी सुनो। नहीं मैं कह रहा था। एयर कैनेडा DC-10 फ्लाइट नंबर AC-408 फ्लाइंग फ्रॉम टोरंटो टू लंदन इज रिपोर्टेड हाईजैक्ड। When reports came in last, it was heading for an unknown destination. It is reliably learned that all 147 passengers aboard are safe. The government is trying to establish contact with the pilot and the hijackers. I see. Chacha ji, main office chalta hoon. Better. Are? Kya hua ise? Nashta chhod ke chala gaya? ये दो एक दिन क्या गुजरे, खुशियां समेट के ले जा रहा हूं। अपनी आंखों से तुम दोनों को सुखी देखा, अब तो बस यही तमन्ना है बेटी कि अगली बार जब आऊं तो तेरी गोद भरी देखूं। आ बेटे राजा, मुझे एयरपोर्ट छोड़। चलिए चाचा जी, मैं भी तो आपको छोड़ने चल रहा हूं। नहीं बेटे, एयरपोर्ट पे तू मेरी नजरों के सामने होगा, तो मैं जा नहीं सकूंगा। अब आनंद बाबू, ये कपड़े और ये गहने आपके चाचा जी अपनी बहू के लिए लाए थे, इन्हें रख लीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो जी। तुम जा रही हो? जी हाँ, आपके चाचा जी चले गए, मेरा काम खत्म हो गया। देखो तुमने बहुत मदद की है मेरी, मैं बहुत एहसान मंद हूँ तुम्हारा। कोई बात नहीं। सुनो, इतनी जल्दी क्या है, चाय पीकर चली जाना। अभी तो पी है चाय। ओ, मैं तो भूल गया था। नमस्ते। सुनो, जरा ड्राइवर को आ जाने दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे कोई लेने नहीं गया था, फिर छोड़ने क्यों जाए? अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ पैसे रख लो। पैसे किस लिए? बात यह है कि तुमने चाचा जी की इतनी देखभाल, इतनी सेवा की है, उसके बदले में मैंने जो कुछ किया है उससे कहीं ज्यादा पा लिया है। आनंद बाबू, आपके चाचा जी ने मुझे वो प्यार दिया है जिसे पाने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही। हरामजादी कहाँ गायब थी? किस यार की बात गरम करके आ रही है? हाँ, ऐसी गंदी बात अपने मुंह से मत निकालो माँ, गंदगी फैला के खुद आ रही है और मेरा मुंह लगती है कमीनी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार मार के तेरा मुंह उड़ता करा दूंगी। क्या हुआ, क्यों मार रही है बेचारी को? पूछो इससे, 3 दिन तक कहाँ गायब थी? रुपए के साथ किसी होटल में अपनी लाश भी लुटा कर आई है। अरे ये तुम्हारी बेटी ने बाप की कसमी है। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ। अरे मत मारो मेरी बेटी को, मत मारो। तुम बीच में से हटो। बाबा
सुनिए, देवकी का घर यही है ना? कौन वो नाच तमाशे वाली देवकी? हाँ, वो तो चली गई बाबू। कहाँ? कौन जाने कहाँ। बेचारी का बाप मर गया, सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। जब से जन्म लिया है न जाने कितने जन्मों का दुख भोग रही हूँ। एक दुखियारी, बेसहारा, कमजोर औरत समय से कब तक लड़ सकेगी? मुझे शक्ति दो माँ कि मैं इज्जत के साथ जी सकूं। अगर अगर इतनी शक्ति नहीं दे सकती तो मुझे अपने पास बुला लो। देवकी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। नहीं, अब मुझसे ये खेल नहीं होगा। बार बार पत्नी बनने का नाटक अब मैं और नहीं कर सकती। आप नहीं जानते एक औरत का कितना अपमान होता है, कितनी तकलीफ पहुंचती है उसे। देवकी, इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने आया हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जी, दुर्गा मां गवाह है, मैं इसके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर रहा हूं। इसी बंगले में चलते। अच्छा, यशु। हाँ। अरे देखना तो दरवाजे पे कौन है। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। आप हमें जानते हैं। आप टूरिस्ट हैं, रास्ते में बारिश आ गई, सामने हमारा बंगला नजर आ गया और आप शेल्टर लेने के लिए यहाँ आ गए। ठीक है ना, मैंने मेरा गैस कभी गलत नहीं होता। जी हाँ, बात तो यही है। तो फौरन अंदर चले आइए। आइए आइए ना, आइए। बिन बुलाए मेहमान दुनिया को अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आइए ना, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, ये है मेरी पत्नी यशोदा और मुझे विकास कहते हैं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से विकी क्या कह दिया कि सारी दुनिया मुझे विकी कहने लग गई। बस शुरू हो गए। तो गलत क्या है इसमें, आप मुझसे प्यार नहीं कर दिया? अब बस करो ना। देखा, शर्मा गई। शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आपने सॉरी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा नाम आनंद है और यह है मेरी पत्नी देवकी। हाँ, वो तो इन्हें देखकर ही पता चलता है। हाँ? जी, इनके शर्माने का अंदाज बता रहा है कि इनकी नई नई शादी हुई है और आप दोनों हनीमून मनाने आए हैं। क्यों, ठीक है ना? मैंने मेरा गैस कभी गलत नहीं होता। विकी, अब मुझे भी कुछ बोलने दो। हाँ? क्या लेंगे आप? बस इसीलिए तो बोलने नहीं देता मैं आपको। अजी, मौसम को देखते हुए कुछ पूछने की जरूरत है क्या? कहिए जनाब, क्या पियेंगे? विस्की, रम, वोडका? और नहीं नहीं, हम लोग तो बारिश की वजह से इस मौसम में तो दोस्त हर गुनाह सबाब होता है। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। ऑलराइट, ब्रांडी। ब्रांडी? नहीं नहीं, इन्हें पीने की आदत नहीं है। एक रात कहीं से पी के चले आए थे तो तुम मुझे भी भूल गए थे। आज भूल जाएंगे तो यहीं रह जाएगा, इसे अपना ही घर समझिए। मगर थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी? एक कप कॉफी। अच्छा, थैंक यू। मिस्टर आनंद, हमारे घर की औरतें कभी सुधरेंगी नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि चाय और कॉफी सेहत के लिए खराब है, लेकिन ये समझती नहीं। चीयर्स। चीयर्स। कुछ ये गरम, फिर आपकी गर्मा गर्म बातें, इस सर्दी के मौसम में और क्या चाहिए। राह पे ले तो आए हैं उन्हें बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। खुल नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में बहक जाएंगे, अपना नाम भी याद नहीं रहेगा इन्हें। तो आपको किस लिए अपने साथ लाए हैं मेम साहब? आपसे पूछ लेंगे, क्या नाम है मेरा? आनंद। थैंक यू। आपका नाम तो मालूम हो गया, लेकिन काम? भारत स्टील कंपनी मेरी है, और फिर
प्रॉपर्टी का भी कुछ बिजनेस है भाई। आप जमीन वाले हैं, मैं पायलट हूँ, आसमानों में उड़ता रहता हूँ, इसीलिए इनकी जुबान जमीन पर टिकती नहीं। हमारा सारा कसूर ये है साहब कि हम अपने से ज्यादा इन्हें प्यार करते हैं। वाकई आप लोगों से तो मिलकर ऐसा लगा कि जीना ही सिखाते हैं। हाँ जी, इन्होंने सिखा दिया। थैंक यू। अरे ये क्या मिल गई, तो वो क्या कहते हैं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। आप शायरी का भी शौक रखते हैं, इतनी खूबसूरत बीवी जिसकी हो, शायरी खुद चल के उसके पास आ जाती है। वैसे आपको भी शायर होना चाहिए साहब। क्या है कि शेर शायरी इनकी समझ में नहीं आती, मोटी बात समझती है। माटुंगा से आई है ना? घर तो चलो आनंद। क्या कहा, माटुंगा से आई हूँ? अरे नहीं भाई, तुम जू से आई हो, बॉम्बे से आई हो, ठीक है? आप बॉम्बे में रहते हैं? जी हाँ, इनकी डैडी भी वहीं रहती हैं। हाँ? तब तो आप बॉम्बे आती रहती होंगी। जी बहुत कम, जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है वहीं हम। आप लोगों से मिलकर तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी से मुलाकात हो गई। अब इजाजत दीजिए। अरे भाई, वन फॉर द रोड हो जाए। जी नहीं, ना तो फिर इन्हें रोड नजर आएगी और ना ही ये माटुंगा वाले। लगता है बारिश भी रुक गई है, अब चलते हैं। एक शर्त पर, कल लंच हमारे साथ खाइए। लेकिन कल तो हम वापस बम्बई जा रहे हैं, मगर एक बात जरूर है, ये मुलाकात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, हम भी नहीं भूलेंगे, और भगवान ने चाहा तो हमारी मुलाकात कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगी। अच्छा जी, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय। नाइस कपल। नहीं आनंद, सुनो तो। मैं काम कर रहा हूँ, सो जाओ। ये क्या हो रहा है? योगा। योगा सुबह होता है, रात को नहीं। सो जाओ। ओफो, सॉरी। मैं सब समझ रहा हूँ, कश्मीर में हनीमून मनाकर आई हो, दिल नहीं भरा? नहीं भरा। हरकतें तो मैं आपकी देख रहा हूँ। छोड़ दो मुझे। अच्छा, आग लगा कर कहती हो छोड़ दो, अब तो मैं आग बुझा कर ही छोड़ूंगा। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं? ये जो जवानी की भाषा है ना, मैं खूब समझता हूँ। नहीं मानोगे? नहीं, ठीक है। What? मैं बाप बनने वाला हूँ। इतनी बड़ी खुशी अपने पेट में छुपाए रखी, मुझे बताया तक नहीं। इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। To watch more of Bollywood entertainment, subscribe to Shemaroo Me now.